ये सदन छोड़ना उतना ही भावुक पल होगा, क्योंकि इनका लगाव हमसे भी ज्यादा रहा है। कुछ तो पत्रकार ऐसे होंगे जो हम लोगों की ट्रंप से भी ज्यादा है उन्होंने काम किया होगा। आज उनके उस महत्वपूर्ण लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए योगदान देने के लिए भी याद करने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन के अंदर आते हैं, हमारे यहां नाद ब्रह्म की कल्पना है। हमारे शास्त्रों में माना गया है किसी एक स्थान पर अनेक बार एक ही लय में उच्चारण होता है तो वो तपोस्थली बन जाता है, उसके एक पॉजिटिव वाइब होते हैं। नाद की एक ताकत होती है जो स्थान को सिद्धि स्थान में परिवर्तित कर देती है। मैं मानता हूं ये सदन भी उस 7,500 जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार जो शब्द गूंजे हैं, जो वाणी यहां गूंजी है, उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करें या ना करें, लेकिन इसकी गूंज इसे तीर्थ क्षेत्र बना देती है। एक जागृत जगह बन जाती है और लोकतंत्र की प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आज से 50 साल के बाद भी जब यहां देखने के लिए भी आएगा तो उसे उस गूंज की अनुभूति होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहां पर गूंजती थी। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके। वो बम की गूंज भी जो देश का भला चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद करेगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्री परिषद थी, बाबा साहब अंबेडकर जी एक मंत्री के रूप दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम ये जानते हैं कि भारत में बाबा साहब अंबेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा। औद्योगिकरण होना चाहिए। और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई थी। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने लेकिन उसकी आत्मा वही होती है।
जो पहली सरकार के थी और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्रहित में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। यही इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी, वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन इस बात का हमेशा